ये मुल्क का जमहूरियत हक है, आप जिसे चाहे उसे वोट दीजिए। लेकिन अगर अबू आसिम आजमी साहब ने इस बात को कहा तो अल्लाह के वास्ते अगर अबू आसिम आजमी साहब कलमा हुए सच्चे मुसलमान है तो अपनी बात पे कायम रखिए और भिवंडी कॉर्पोरेशन इलेक्शन में सिर्फ हमारे हिंदू भाइयों को आप टिकट दीजिए, क्योंकि अगर मुसलमान लीडर आपने कहा नहीं चुनना है तो इंशाअल्लाह ताला मुसलमान आपके लीडरों को वोट भी नहीं देंगे। मुसलसल लोकसभा इलेक्शन में जो देश का चुनाव होता है तो सेकुलर जहन के साथ हमने कभी किसी टावे भाई को, कभी किसी पाटिल भाई को वोट देकर मुल्क के पार्लियामेंट में भेजा कि हमारे मसाइल हल करेंगे, लेकिन उन्होंने बदले में हमारे इलाकों में जिंदगी के अंबार इकट्ठे होने दिए। कटर नहीं है, कटर है तो चेंबर नहीं है, अधिकतर आबादी के पास डंपिंग ग्राउंड बने हुए हैं। हम हमारे इलाकों में अच्छी स्कूल खोलने बोलते हैं तो हमारे इलाकों में नौजवानों में नशाखोरी आम की जाती है, हमारे इलाकों में जुगाड़ के अड्डे खोले जाते हैं। हमारा कोई भाई अगर उसमें मुलविस हो गया तो पूरी फैमिली पूरा खानदान बर्बाद हो जाता है। अबू आसिम आजमी साहब से मार्च के प्रोग्राम के स्टेज से दावत दे रहा हूँ कि यकीनन आपने जो बात कही है आप अपनी बात पे कायम रखिए, क्योंकि आपके मुसलमान लीडरों को अब हम नहीं बनाएंगे। बहुत बेवकूफ बने, अब नहीं बनने वाले इंशाअल्लाह ताला हमारी जिंदगी में। अब हम अगर किसी का साथ देंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का देंगे कि आज हमारे भिवंडी में हमारी बहन की आला तालीम के लिए, उच्च शिक्षा के लिए कोई कॉलेज नहीं, हायर एजुकेशन के लिए कोई कॉलेज नहीं, और अगर मेरी कोई बेटी मेरी कोई बहन तालीम हासिल करना चाहती हो, खाना जाना चाहती हो, बंबई जाना चाहती हो तो ट्रेन की भी फैसिलिटी नहीं। दिन में थाना बंबई के लिए जो बस जाती है उससे तो मिडिल क्लास फैमिली का कोई आदमी जाना भी पसंद नहीं करेगा ऐसे हालात। तो हम हमारी बेटी को तालीम के लिए थाना या मुंबई कैसे भेज पाए। नेता ओपनिंग करते हैं ये मेरी एम्बुलेंस, समाजवादी बोलती है ये मेरी एम्बुलेंस, शिवसेना बोलती है ये हमने एम्बुलेंस शुरू किया, कांग्रेस बोलती है ये एम्बुलेंस हमने शुरू किया, लेकिन हम देखते हैं कि भिवंडी शहर में अधिकतर कॉल जो हमको आरोग्य सेवा के ताल्लुक से आती है तो ज्यादातर शिकायतें यही होती है कि एम्बुलेंस तो अवेलेबल है भाई लेकिन मुंबई जाने का 2500 मांग रहा है। वही शिवसेना की एम्बुलेंस, वही समाजवादी की एम्बुलेंस, वही कांग्रेस की एम्बुलेंस होती है लेकिन 2500-2000 मांग रहा है। जिसको आपने वोट दिया उसने आपके साथ क्या किया ये आप बेहतर जान। रिसेंटली एक सामाजिक कार्यकर्ता ने वीडियो के माध्यम से आईजीएम हॉस्पिटल में केस पकड़ा कि ऑपरेशन कराने के नाम पर 5000 का तकाजा किया जा रहा था। यकीनन वो बहन हमारी एक पार्टी से मुंसलिक है, कांग्रेस पार्टी से है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उस बहन को कि अच्छा काम किया, लेकिन मैं ये बात भी कहना चाहूंगा सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, आरोग्य मंत्री आपकी सरकार के हैं तो ये हालात क्यों। कांग्रेस एनसीपी की सरकार में भिवंडी को उप जिला रुग्णालय का दर्जा मिला आईजीएम हॉस्पिटल को और आज ये हालात है कि एक छोटा ऑपरेशन नहीं हो सकता। Subscribe our YouTube channel Vivanji Mirror, press bell icon to get more notification, follow on Facebook, join with us on WhatsApp 7888-161-661। देखिए मुल्क में महिलाओं को जब देश के कानून ने सामान्य दर्जा दिया है इसी मकसद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह निश्चित किया कि भिवंडी में महिलाओं की जो समस्या है उसकी एक क़यादत होनी चाहिए। इस मकसद से हमने हमारी पार्टी की जो रुकन है उनको मोहतरम शमा परवीन इनको आज पार्टी का सदर डिक्लेयर किया है महिला विंग का, और इस उम्मीद के साथ कि महिलाओं की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए आप आगे आएंगी। साथ ही साथ गवर्नमेंट की जो भी महिला सशक्त वुमेन एम्पावरमेंट की जितनी स्कीमें हैं वो सारी इन स्कीमों को उन तक पहुंचाने के लिए आप हद तक प्रयास करेंगे। पहले एमआईएम में महिलाएं नहीं दिखी थी, अभी दिखने लगी है, ये बदलाव जो है इसकी क्या वजह मानते हैं? ये बदलाव इसलिए आया है कि आज सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई देख रहा है कि बैरिस्टर असद अवैसी साहब किस तरह जो है पूरे मुल्क की आवाज़ बनकर सामने आ रहे हैं। ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए जिस तरह उन्होंने पार्लियामेंट में नुमाइंदगी की उसकी सताइश करते हुए महिलाएं लगातार एमआईएम से जुड़ रही हैं। यकीनन महिला क़यादत नहीं होने की वजह से इस चीज़ की कमी थी, आज उसकी पूर्ति हो गई है
मेरी बहन आगे आई हैं और इनकी क़यादत में इंशाल्लाह और महिलाएं जुड़ेंगी। देखा जाए तो अभी एक नेता ने मुस्लिम लीडर चुनने पर बड़ा बयान दिया था, उस पर आपकी क्या राय है? जी वो लेटर उन नेता का मैं नाम लेना चाहूँगा कि वो जो दोगली पॉलिसी कर रहे हैं इसलिए उनको दोगला नेता कहें। खुद गोवंडी से और खुद भिवंडी से उनकी पार्टी का जो नुमाइंदा चुनकर आया वो मुस्लिम क़यादत के नाम पर चुनकर आया, और जब मुस्लिम क़यादत के नाम पर खुद चुनकर आए तो जब उत्तर प्रदेश में जब चुनाव लड़ने जाते हो तो वहाँ दोहरा रवैया क्यों? वहाँ पर और पूरे मुल्क में मुस्लिम क़यादत पूरे इंडिया में जो डेवलप हो रही है बैरिस्टर असद अवैसी साहब की शक्ल में, वो कहीं ना कहीं उनको बर्दाश्त नहीं है। इसलिए इस तरह की बात करके एक नई दिशा दे रहे हैं सियासत को कि हमारा मुस्लिम क़यादत हो ही नहीं सकती, जिसको मुस्लिम क़यादत चाहिए वो पाकिस्तान चले जाए। फिर अगले दिन मौसमी बुखार चढ़ गया, दूसरे दिन बोलते हैं अफ्रीका चले जाओ, तीसरे दिन बोलते हैं अमेरिका चले जाओ। तो ये जो उनको मौसमी बुखार चढ़ रहा है ये यादव परिवार का बुखार है और ये बुखार वक्तन फोक्तन उनको चढ़ते रहता है। पिछले 2017 के चुनाव में विधानसभा उत्तर प्रदेश इलेक्शन में यही अबू आसिम आजमी ने कहा था कि वो मुसलमान जो समाजवादी को वोट नहीं देगा उसका डीएनए हो जाना चाहिए। तो इनको यादव बुखार चढ़ता है उत्तर प्रदेश जाने के बाद, भिवंडी आने के बाद, गोवंडी आने के बाद मुसलमानों के वोट चाहिए, मुस्लिम क़यादत। तो ये अबू आसिम आजमी का जो दोगला चरित्र है ये तो जनता के सामने आ चुका है सोशल मीडिया के माध्यम से, इस पर क्या टिप्पणी करना? लेकिन इस पर एमआईएम का विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आई। अबू आसिम आजमी ने खुद कह दिया कि वो क्या है, उनकी सोच क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, पूरे देश ने देख लिया, उस पर क्या खुलासा करना? वो किस चरित्र के इंसान है, वो कैसे उनके अबू यादव जी बन चुके हैं वो दिखा दिया है उन्होंने, बात ही खत्म होती। जगह पर आने वाले चुनाव में समाजवादी के साथ एमआईएम का अलायंस होगा कि नहीं? देखिए हमारे पार्टी के जो सदर हैं राष्ट्रीय सदर बैरिस्टर असद अवैसी साहब, इस बात का जवाब तो वही दे सकते हैं, इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि उसका फैसला वही ले सकते हैं। मतलब अभी गुंजाइश है एक मरतबा धोखा खाने के बाद भी समाजवादी से गठबंधन का गुंजाइश रखते हैं? देखिए समाजवादी पार्टी का चरित्र तो आपने देख चुका है, विधानसभा इलेक्शन में इसी मुस्लिम क़यादत के नाम पर बैरिस्टर असद अवैसी साहब ने गोवंडी में और भिवंडी में अपने नुमाइंदगी नहीं दी, इनको चुन कर दिया। और आज ये चुन कर आने के बाद चुनाव के दिन ही काउंटिंग के टाइम अबू आसिम आजमी ने कहा कि आप अब बैरिस्टर असद अवैसी बीजेपी की बीटी में, तो अबू आसिम आजमी को मैं बोला ना मौसमी बुखार क्या चढ़ता है उस पर टिप्पणी करके मतलब क्या है? ऐसे सियासी लीडर की आप बात कीजिए जो अपने बयान पर कायम रहे और सही बात करे, जो बोलता है कल पाकिस्तान चले जाओ अगले दिन बोलता है अमेरिका जाने की बात किया था, तो समझ के बाहर उस पर क्या टिप्पणी करना? लेकिन अगर आपके आला कमान से आदेश आता है गठबंधन करने का तो क्या ऐसे लोगों से भी गठबंधन हो सकता है? देखिए बैरिस्टर असद अवैसी हमारी पार्टी की क़यादत करते हैं, इस सवाल का जवाब वही दे सकते हैं और वही फैसला कर सकते हैं कि क्या होगा। आप आज एमआईएम की महिला अध्यक्ष बनी हैं तो एमआईएम से जुड़ने का खास मकसद क्या है? मकसद ये कि मेरे असदुद्दीन भाई जो इतना अच्छा काम करते हैं और आजकल महिलाओं को काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनका देख के मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी अपनी बहनों के लिए कुछ करना चाहिए, और मेरे शादाब जो मेरे बड़े भाई है शादाब उस्मानी साहब, उन्होंने भी मुझे फुल सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कि नहीं आप आगे आइए और कुछ कीजिए, तो इस वजह से मैंने ये पार्टी को ज्वाइन करना बेहतर समझा। क्या रीज़न लेके जुड़े हो, क्या महिलाओं के लिए काम करने का आपका सोच है? मैंने ऐसा सोचा है कि महिलाओं की जो भी समस्या रहती है, जो भी दिक्कत रहती है, घरेली है, बाकी और बाहर की भी सारी प्रॉब्लम है, जो उनकी समस्या को कोई सुनते भी अनसुना कर देता है, चाहे वो घर में उनके खुद के हस्बैंड हो चाहे कोई भी हो, तो उस मकसद से मैं जुड़ी हूँ कि चलो उनकी जो भी समस्या होगी उनको मैं दूर करूँ। प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल विवंजी मिरर, प्रेस बेल आइकन टू गेट मोर नोटिफिकेशन, फॉलो ऑन फेसबुक, ज्वाइन विद अस ऑन व्हाट्सएप 7888161661।